हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने 5 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम छठा पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। ध्यान से बड़े प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है, यानी धान्य फसल कौन सी है वो आपको बताना है। तो धान्य फसल है चावल, ठीक है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। अगला देखते हैं कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। कौन? दालें, ठीक है। किसका स्रोत होता है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। कौन होता है? दालें। अगला देखते हैं कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। किसमें होता है? सोयाबीन वनस्पति खाद में। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ध्यान से बैठे प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ठीक है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वह कौन सी फसल है? तो आपको फसल का नाम बताना है, वो है मटर की फसल है, जो नाइट्रोजन से, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस पढ़े कि निम्नलिखित में से मटर फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सी फसल है? मटर। अगला देखते हैं कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये पांचवा क्वेश्चन है, 155 ऐसे लिखा हुआ कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ध्यान से बड़े प्रश्न को, कि दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपको याद रखना है छाल, ठीक है। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपको याद रखना है छाल। अगला देखते हैं कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है चीड़ से, ठीक है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है चीड़ से। अगला देखते हैं कि लिटमस प्राप्त होता है, ठीक है, लिटमस प्राप्त होता है, यानी कि लिटमस किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। तो लाइकेन से, ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगला देखते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है जाइलम, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला देखते हैं कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ध्यान से बड़े प्रश्न को, कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो आपको याद रखना है कोशिका जल, ठीक है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, वो होता है कोशिका जल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ध्यान से बड़े प्रश्न को, कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, जब ही पौधा वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़े वापस से कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होगी? तो आपको याद रखना है 16, ठीक है। अगला देखते हैं कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? तो आपको याद रखना है MG, ठीक है, कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? तो MG।
अगला देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है यानी क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, तो आपको याद रखना है सभी वायवीय भागों से, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, तो सभी वायवीय भागों से होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगला देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है पोटोमीटर है, जो वाष्पोत्सर्जन मीटर वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, कौन सा है? पोटोमीटर है, ठीक है। अगला देखते हैं कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है, तो आपको याद रखना है पूरा पौधा, ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, यानी पूरे पौधे में ही होती है। किसकी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। ध्यान से बड़े प्रश्न को एक बार फिर से, की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, यानी कौन आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो ये तीनों आवश्यक है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। किसकी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो आपको याद रखना है केवल दिन में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो आपको याद रखना है केवल दिन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इतना सरल क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो आपको याद रखना है केवल दिन में। अगला सवाल है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है रेस्पिरोमीटर, ठीक है। रेस्पिरोमीटर किसे कहते हैं, तो श्वसन मापन यंत्र होता है। श्वसन मापन यंत्र को रेस्पिरोमीटर कहते हैं, ठीक है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। अगला देखते हैं कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, इथिलीन, ठीक है। इथिलीन हार्मोन है जो फल पकाने वाला है, ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, इथिलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, वो है सोडियम, ठीक है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह है सोडियम, आवश्यक नहीं है। लंबाई यानी लंबाई बढ़ाने के लिए, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन आवश्यक नहीं है, सोडियम। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ध्यान से बड़े प्रश्न को कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो आपको याद रखना है जल से, ठीक है। प्रश्न पढ़ो वापस कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जल से आती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। ध्यान से बड़े प्रश्न को वापस से एक बार कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर
सही रूप में नापी जाती है, तो वह आपको याद रखना है, ऑक्सीजनोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, ठीक है, ऑक्सीजनोमीटर है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। किसके द्वारा? ऑक्सीजनोमीटर, ठीक है। ऑक्सीजनोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। आपको याद रखना है ऑक्सीजनोमीटर, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है प्रश्न? कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अगला देखते हैं कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, तो आपको याद रखना है फफूंदी, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, तो आपको याद रखना है फफूंदी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, बहुत बार पूछा गया कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो आपको याद रखना है फफूंदी। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं और सच सच बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।